हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्नेहा आपका वेलकम करती हूं आपके यूट्यूब चैनल टैक्स विल में। आज हम इकोनॉमिक की सीरीज में एक नई वीडियो लेके आए हैं। लास्ट हमने आपने देखा होगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का हमने पार्ट वन बनाया था, उसमें हमने रेंज को कवर किया था। एंड अब इस टाइम लेके आए सेकेंड पार्ट, वो है QD, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर डेविएशन। एंड अगर दोस्तों अगर 1-to-1 आप ऑनलाइन एज ए ट्यूटर सर्च कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड अकाउंट्स के लिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आप कम से कम फीस में एंड अच्छे से अच्छा ट्यूटर हम आपको अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक जब हमने रेंज पढ़ा था उसमें कुछ कमियाँ थी कि अगर हम इसमें फर्स्ट देखते हैं, मिनिमम वैल्यू देखते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं, तो बीच की जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी, जो डीमेरिट्स पढ़ी थी हमने, बीच की वैल्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं रहता वहाँ पे, ना वो कंसिडर होती हैं, ना ही कोई यूजेस होता है। और इसकी वजह से जो डिस्पर्जन हम मेज़र करते हैं वो इतना रिलायबल नहीं होता, ये मोस्ट अनरिलायबल रहता है डिस्पर्जन का पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कमी को देखते हुए उसका सेकंड पार्ट बनाया गया जिसे क्वार्टर डेविएशन बोलते हैं एंड इसको शॉर्ट में बोलते हैं QD। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर हमारे पास लाइक ये ऑब्जर्वेशन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लाइक अगर हम 2 पार्ट्स में करते हैं तो ये मीडियन हो गया, 50% इधर 50% इधर। लेकिन अगर हम इसे 1-2 और पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स हो गए, क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट हो गए, जिसको 25% में डाल देते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं Q1, सेकंड को बोलते हैं Q2 एंड थर्ड को बोलते हैं Q3। लेकिन जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है Q1 एंड Q3। ठीक है दोस्तों, डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका, इसमें 25% पे हो जाता है, जो अपर वैल्यू है उसको हम Q3 बोलते हैं एंड जो लोअर क्वार्टाइल है, वैल्यू नहीं क्वार्टाइल, उसको बोलते हैं हम Q1। जो अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1, ये हो गई हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज। लेकिन अगर हम इसको भी डिवाइड कर दें 2 से, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो ये बन जाएगी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो हम आगे देखेंगे। एंड जो आपके QD का नेम है, जो सेकंड नेम, उसको भी हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से ही जानते हैं। इसमें तो हमने 50% डेटा कवर कर लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड अपॉन मिडल 50%। ठीक है, लेकिन जब इसको डिवाइड कर देंगे, हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। लेकिन जब इसको हम हाफ कर देंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो इसको बोलेंगे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसमें फर्स्ट क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल को अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। हमारे पास जितनी भी सीरीज हैं तो इस, ये फॉर्मूला है Q1 के, Q1 के इस तरह निकालते हैं N+1/4, Q3 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 में हो जाएगा, सेम फॉर्मूला ये रहेगा। एंड QD जब हमारे पास Q3 एंड Q1 आ जाएगा, Q3 माइनस Q1/2, बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में सेम रहते हैं, क्वांटिटी सीरीज़ में थोड़े चेंजेस रहते हैं, तो हम वन बाई वन स्टडी करेंगे कि तीनों सीरीज़ में हम किस तरह से QD को निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे पास ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालनी, कैलकुलेट रेंज एंड QD निकालनी। रेंज इज़ वेरी सिंपल, पढ़ा है हमने, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 70, ये रही हमारे पास 70। एंड जब भी कोई भी ऑब्जर्वेशन रहता है दोस्तों, उसको सबसे पहले ज़रूरी आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप निकालें। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 70 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास 20। 70 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 50। हमारी रेंज क्या निकल गई दोस्तों, ये निकल गई हमारी 50। अब QD निकालना, अब हमने QD में क्या पढ़ा था, हमें Q1 निकालना है एंड Q3 निकालना है। इसके फॉर्मूला क्या थे, N+1/4। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कितनी है, ये है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारी 11 ऑब्जर्वेशन है, +1/4, ये हो गया आपका 12/4 इक्वल टू 3। थर्ड इसका मीन्स है कि थर्ड वैल्यू इसमें कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैल्यू हमारी 29, दैट मीन हमारी जो Q1 की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 29।
इसी तरह से हम निकालेंगे Q3। फॉर्मूला सेम है, इन टू में 3 आ गया क्योंकि ये Q3 है। सो 33 11 प्लस 1 बाई 4, सो 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9। नाइन्थ वैल्यू क्या है, अब इसमें देखेंगे, पीछे से देख लेंगे, 11th है ये, 10th है, तो 9th वैल्यू हो गई हमारी 51। सो 51 आ गई हमारी, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारे आ गई Q3 की वैल्यू। अब हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 बाई 2। हमने Q3 Q1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, 51 माइनस 29 बाई 2, इसका निकल गया हमारा 11, 11 आ गई हमारी वैल्यू। अब निकालेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होता है, जैसा हमने रेंज में पढ़ा था उसी तरह सेम है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू में 100, वैल्यूज को पुट कर देंगे, 51 माइनस 29, 51 प्लस 29, इन दोनों को सॉल्व करके इंटू में 100 कर देंगे, सो हमारा जो आंसर है वो आ गया 27.5%। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा दूसरे टाइप का लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस समझ आएगा किस तरह से है। अभी तक जो हमारे पास वैल्यू आई थी, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, नाइन्थ वैल्यू, ये कंप्लीट आई थी, लेकिन जब ये कंप्लीट क्रॉस ना हो, कंप्लीट कट ना हो एक दूसरे, अगर 36 की जगह 37 होता तो क्या होता, किस तरह हम कैलकुलेट करते। सो ये हम एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे, ये हमारे मंथ्स हैं, ये हमारी इनकम है। ठीक है दोस्तों, फर्स्टली हम इनको अरेंज करेंगे, अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कोई भी ऑब्जर्वेशन लोगे सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है डेटा को। Q1 निकालेंगे, ये कितने हैं, ये आपको पता ही होगा 12 होते हैं हमारे मंथ्स, तो 12 है n 12 हो गया, सबसे पहले Q1, सॉरी ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 3 को आप रिमूव कर दीजिए, फॉर्मूला में यूज़ नहीं किया गया, 12 प्लस 1 बाई 4 13 बाई 4 ये हो गया 3.25th टर्म। सो इसमें आप क्या करेंगे, 3 कंप्लीट है ना, तो थर्ड टर्म ओके कंप्लीट आएगी, प्लस 0.25 है, 0.25 ले लिया। अब इसमें जिससे जो अलग है, एक्स्ट्रा है, अगर थर्ड में नहीं आ रही, थर्ड से थोड़ा एक्स्ट्रा, तो ये किस टर्म में आएगी, फोर्थ में आएगी ना, तो फोर्थ माइनस थर्ड, अब थर्ड टर्म है हमारी, देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ कौन सी टर्म्स है हमारी, थर्ड टर्म है हमारी 140 और फोर्थ है हमारी 141। सो अब इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, थर्ड टर्म 140, 0.25 वैल्यू रख दी, फोर्थ टर्म है 141 माइनस 140, इसका अगर माइनस करके 1 आ गया और इन टू में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 140.25। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम Q3 की वैल्यू निकालेंगे, Q3 में सेम है, बस 3 आगे इन टू में डाल दिया हमने, तो इसकी आ गई 9.75 टर्म। सो इसमें क्या करेंगे, 9th टर्म जो है हमारी 143 है, लाइक 0.75 ले लिया प्लस में, अब इसमें 10th टर्म लेंगे एंड 9th टर्म को माइनस कर देंगे, इसमें 10th टर्म है आपकी, ये 12 है, ये 11 है, ये 10th है, 10th ये है 144 एंड 143 है आपकी 9th टर्म, वैल्यूज को पुट करेंगे, 144 में से 143 करके ये भी 1 आ गया, पॉइंट में 75 से मल्टीप्लाई करके 1 ही हो गया, ये 0.75 हो गया, सो इसका आंसर आ गया 143.75। अब हमारे पास Q3 एंड Q1 की वैल्यूज आ गई है, QD निकालना सिंपल हो गया, जस्ट वैल्यू पुट करो, माइनस करो, बाई 2 कर दो, सो ये आ गया 3.5 बाई 2 इक्वल टू 1.75। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया हमारा QD। अब इसी तरह हम कोफिशिएंट ऑफ QD निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू में 100, सो वैल्यूज पुट की, इंटू 100 किया, सो Q3 निकल गया हमारा 1.23%। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार भी देते रहिए एंड बेल आइकन पर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से उसे पढ़ लें एंड रिवीजन कर लें अपना। सो ये है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे QD को एंड कोफिशिएंट ऑफ QD को, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारा F आ जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट कन्वर्ट सीरीज इन असेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लाइक 5 2 9
पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 9 है, तो इसमें को हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 2, 5, 9, 10, 15, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे। जब फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादातर हम सी एफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये किस तरह से निकालते हैं, 1, 1, 1 + 2, 3, 1 + 2 + 2, 5, या फिर इस तरह से कर सकते हैं 1, 1, 1 में 2 + 3, 3 में 2 + 5, 5 में 5 + 10, 10 में 3 = 13। सो एफ हमारा यहाँ इनका टोटल निकलेगा 13, और वही 13 हमारा सी एफ का टोटल आएगा। सी एफ का टोटल नहीं, लास्ट वैल्यू हो गया हमारी, ठीक है। तो इसमें हम क्यू वन निकालेंगे, यहाँ पे एन हो गया 13, 13 + 1/4 हमारा ये निकल गया, क्यू वन निकल गया 3.5, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, थर्ड वैल्यू 0.50 यहाँ डाल दिया, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सो फोर्थ टर्म देखेंगे हम इसमें क्या है, थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड किस में आ रहा है, यस, सो थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड किस में आ रहा है, एंड फोर्थ देखेंगे, थर्ड आ रहा है हमारा सी एफ में, देखते हैं टर्म थर्ड किसके अंदर आ रहा है, थ्री के अंदर, और इसकी एक्स की वैल्यू है 5, तो हम जो वैल्यू लेंगे थर्ड टर्म में वो लेंगे 5। अब फोर्थ टर्म, थर्ड के बाद जो फोर्थ आएगी वो फिफ्थ तक जो वैल्यू आएंगी फोर्थ एंड फिफ्थ की, वो फिफ्थ में कंसिडर होंगी, तो उसकी वैल्यू है 9, ठीक है। हमें थर्ड पता चल गई एंड फोर्थ पता चल गई, 5 एंड 9, हम इसमें पुट कर देंगे, थर्ड की वैल्यू 5 एंड फोर्थ की वैल्यू 9, बाकी जो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है पुट कर दी, एंड इसका आंसर आ गया 7। इसी तरह हम Q3 निकालेंगे, Q3 में जो हमने वैल्यू पुट करने के बाद जो आया हमारा, वो आया 10.5 टर्म, मतलब 10th टर्म 0.5, 11th माइनस 10th। अब हम देखेंगे कि 10th के आगे क्या वैल्यू है एंड 10th के बाद क्या वैल्यू है, तो 10th में वैल्यू है, देखते हैं हम 10th किस में कंसिडर होगा, 10th में, और 10th के आगे जो वैल्यू वो है 10, और 10.5 उसके आगे जो वैल्यू है वो होगी हमारी 15, उसके बाद देखेंगे ना सर। तो 10th में तो 10th है, लेकिन 10th से अगर एक्स्ट्रा है तो वो 13 में कंसिडर होगा, 13 की वैल्यू हमारी 15, सो 10 एंड 15 हमें मिल गई। हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, 10th टर्म 10 एंड 11th टर्म होगी हमारी 15, जस्ट वैल्यू पुट की, आंसर हमारा आ गया 12.5। सो अब हमारे पास Q3 एंड Q1 की वैल्यू आ गई। अब Q3 निकालना तो बहुत आसान है, Q3 माइनस Q1 बाई 2, वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया हमारा 2.75। अब कोफिशिएंट ऑफ Q3 निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ Q3 भी बहुत इजी है हमारा, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू में 100, जस्ट वैल्यू पुट की जैसा हमने ऊपर पुट किया है Q3 में, यहाँ माइनस है नीचे प्लस लगा दिया, इंटू में कर दिया 100। सो कितने परसेंट आ गया हमारा, 28.2% हमारा कोफिशिएंट ऑफ Q3 आ गया। सो हमने फर्स्ट सीरीज देख ली, या इंडिविजुअल देख ली, डिस्क्रीट सीरीज देख ली, जब लेकिन हम कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला है वो हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जो हम Q3 का तो हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, दोस्तों मैं बताऊंगी नीचे बताती हूँ, Q3 का हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ Q3 भी सेम रहेगा, लेकिन जो Q1 एंड Q2 फॉर्मूला लेते हैं उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाता है। कैसे आता है देखते हैं, सॉरी, ये हमारे पास क्लास इंटरवल दी हुई है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, और टोटल कितना है इनका 40। सो फर्स्ट हम इनका CF निकालेंगे, CF निकाले कैसे निकाला, 5, 5, 8, 13, 13, 16, 29, 29, 7, 36, 36, 4, 40। सो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल और जो CF का लास्ट है वो सेम रहेगा। सो Q1 जब हम निकालते हैं तो वो किस तरह से निकलेगा, 40 n 40 है हमारा, ठीक है, तो इसमें n प्लस 1 नहीं करते हैं, सिर्फ n लेते हैं, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, 10th वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब 10th वैल्यू हम इसमें कहाँ लाई करती है, 10th करेगी हमारी 13 में, ठीक है, और 13 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, ओके दोस्तों, 13 के आगे फ्रीक्वेंसी है 8, एंड किस क्या है इसका क्लास इंटरवल है, इसका क्लास इंटरवल है 10 से 20 का, ठीक है दोस्तों। सो ये जो हमारा Q1 का फॉर्मूला है, L1 प्लस n/4 माइनस CF इंटू I, I होता है इंटरवल, L1 होता है लोअर वैल्यू, जो हमने क्लास इंटरवल लिया है इसकी लोअर वैल्यू है 10, ठीक है, F रह गया फ्रीक्वेंसी 8,
सी एफ, सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है हमारी जो फ्रीक्वेंसी से सामने वैल्यू से अपर वैल्यू एक, ये हो गया हमारे 5। जस्ट फॉर्मूले में पुट की, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 10th वैल्यू 10 से 20 में लाई करती है, सो Q1 की जो लोअर लिमिट है वो हो गई 10, L हो गई 10 हमारी, सी एफ होगी जो अपर वैल्यू होगी उससे प्रिसीडिंग क्वार्टाइल क्रॉस होगी हमारी 5, I हो गया 10, इंटरवल कितना 10 से 20 के बीच में, इसको H से भी डिनोट कर देते हैं, हाइट कितनी है, एंड F हो गया हमारा 8। सो हमने जस्ट Q1 के लिए वैल्यू पुट की एंड क्या आ गया हमारा आंसर 16.25। ठीक है दोस्तों, सेम ही फॉर्मूला हमारा Q3 के साथ है, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम वहाँ पे n बाई 4 लिया था, यहाँ पे लेते हैं हम 3n/4 जैसा हम इंडिविजुअल उसमें लेते थे डिस्क्रीट सीरीज में, सो यहाँ 3 × 2 में हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, जस्ट हम चाहें तो यहाँ पे n/4 की तरह अगर हमें Q1 है तो n/4 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंड Q3 निकालना है तो यहाँ 3 × 2 में हो जाएगा, 3n/4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, एंड अब देखते हैं हमारी क्या वैल्यू निकल के आई है। सो 3n/4 जब हमने किया तो हमारी वैल्यू आई है 30th वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 4 से 10 आ गया, और इंटू में करेंगे 3 तो 30 हो गया, 30th वैल्यू हमारे कहाँ लाई करती है देखते हैं सीरीज में, 30 करती है 36 में, 29 से ज़्यादा हो गया 36, 36 में आता है 30, और ये हो गया हमारी रेंज 40 से 60 के बीच में, सो लोअर वैल्यू होगी हमारी 40, एफ होगी हमारा 7, एंड इससे एक ऊपर कितना है 29 हो गया हमारा सी एफ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई क्या हो गया 20। सो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, अब हमारा Q3 आ गया 42.87। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे हम QD, QD इज़ वेरी सिंपल, Q3 - Q1/2, 42.87 - 16.25/2 इक्वल टू 13.31। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने निकाल लिया Q3 एंड QD। सो दोस्तों हमने QD निकाल लिया Q3 - Q1/2 करके, तो अब निकालेंगे हम कॉफिशेंट ऑफ QD। सो वो किस तरह निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है Q3 - Q1/Q3 + Q1 इंटू में 100, वैल्यूज पुट की इंटू में 100 किया, सो ये निकल के हमारा 44.64%। ठीक है दोस्तों, सो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने प्यार देते रहिए, एंड जो भी फ्री स्टडी मटेरियल जितने भी नोट्स हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट बना रखे हैं एंड एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रखा है, तो उसको अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है study.taxville.in, आप इस पर विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, एंड आप चाहें तो पूरा स्टडी मटेरियल वहाँ से जब भी मन करे आप गो थ्रू हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे मैंने अदर इकोनॉमिक्स की अकाउंट्स की वीडियोस बुक्स सारी अपलोड की हुई हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से विजिट करके लॉगिन करके आप पढ़ सकते हैं, एंड अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन 1-to-1 ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं इसका एज ए ट्यूटर आप सर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक्स अकाउंट एंड बिजनेस के लिए, तो जब हम आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो इस पर नंबर मेंशन है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके हमसे 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हैं 3 सब्जेक्ट की, अकाउंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, 11th 12th ग्रेजुएशन एंड मास्टर, ऑल सभी स्टूडेंट हमें कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग 1-to-1 ट्यूशन एंड क्लासेस के लिए। ठीक है दोस्तों, सो हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, बाय।